अब इसके साथ ही नाजीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरांवाला का मिलावट माफिया के खिलाफ गिरा मजीद तंग। विजिलेंस टीम की अंतक कोशिशों के बाद कार्रवाई की गई। 1500 लीटर जूस तहबीर में दे दिया गया है। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे आसिफ चट्ठा। जी आसिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरांवाला का मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा मजीद तंग। नाकस जूस की तैयारी पर यूनिट असलाह तक बंद। विजिलेंस टीम की अंतक कोशिशों के बाद कार्रवाई की गई। 1500 लीटर जूस तहवील में ले लिया गया। खेत से पलट तक महफूज खुराक की फरहमी के लिए डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मुदसर रियास मलिक की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन गुजरांवाला डिवीजन अदील असलम और डिप्टी डायरेक्टर गुजरांवाला उमर फारूक की सरबराही में बड़ी कार्रवाई की गई। विजिलेंस टीम की तवील कोशिशों के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। विजिलेंस टीम की इतलाह पर फूड सेफ्टी टीमों ने कामोकी में जूस तैयार करने वाले यूनिट पर छापा मारा। जूस के नमूने लैब से टेस्ट करवाए गए। नमूनों में मिलावट पाई गई। यूनिट में मौजूद 1500 लीटर जूस को फूड सेफ्टी टीमों ने तहवील में लेके यूनिट को असलाहत तक बंद कर दिया। यूनिट को असलाहत तक बंद करके मुलजमान के खिलाफ थाना सिटी कामोकी में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। नाकस मज़र सेहत जूस को गुजरांवाला और मुलहका इलाकों में सप्लाई किया जाना था। फूड सेफ्टी टीमों ने कार्रवाई करके बच्चों को नाकस जूस पीने से बचा लिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदसर रियास मलिक का कहना था, अवामुल नास की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के डिटार पर हैं। सुबह भर में सेहत दुश्मन फूड बिजनेस ऑपरेटर के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमें हिमावक्त कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जी